सारे दोस्तों को गुड मॉर्निंग। तो आज मैंने सोचा है कवर कर लूँ रांजनगांव गणपति। अभी मैं पुणे आया हूँ, कुछ मेरे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है तो पुणे में भी अभी रह के काम करना है। तो यहाँ पे एक मंदिर है रांजनगांव गणपति, अष्ट विनायक, मतलब अष्ट विनायकों के मंदिर में आता है, ऐसा मैंने कुछ डिटेल पता करा था उसके बारे में। लास्ट टाइम तो प्रॉब्लम हो गई थी मथुरा और वृंदावन के लिए, मैं ज़्यादा डिटेल बता नहीं पाया था और कुछ साउंड की भी प्रॉब्लम आ गई थी हवा की वजह से, तो ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाया, लेकिन आज ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल दूंगा, अच्छे खासे डिटेल दूंगा मैं। मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ यहाँ से वो मंदिर करीब करीब 25 किलोमीटर पे है। अभी मैं जाऊँगा यहाँ से, मेरे साथ एक दो भैया हैं, मतलब भाई हैं, ऊपर बिल्डिंग में रहते हैं साथ में मेरे, तो उन्हें भी साथ ले जाना है, उन्हें यहाँ की अच्छी नॉलेज है, लोकल है यहाँ के। अभी टाइम ये 6 बज गए हैं अभी। यहाँ से करीब रांजनगांव गणपति 25 किलोमीटर है, तो अभी मैं जस्ट तैयार होता हूँ जल्दी से जल्दी, फिर मिलते हैं आगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भोले बाबा के ज्योतिर्लिंग हैं और माँ सती के शक्तिपीठ है। उसी प्रकार गणपति बापा के अष्ट विनायक मंदिर है जो 8 जगह पर स्थापित है। उनमें से एक है रांझणगांव, जहाँ आज हम आए हैं। हेलो गाइस, हम पहुंच गए रांजनगांव गणपति। ये अष्ट विनायकों के मंदिर में से एक है रांजनगांव। पुणे से 50 किलोमीटर है प्रॉपर। हम यहाँ से हम वागोली से आ रहे हैं, तो वहाँ से 30 किलोमीटर है ना? हाँ, वागोली से। हाँ, तो वहाँ हमें लेट इसलिए हो गया ज़्यादा क्योंकि हम थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए थे। अब हम यहाँ का शूट करते हैं। अभी बहुत बाइक चला के आने के बाद थक गए हैं थोड़ा, तो चाय पीने के लिए यहाँ पे एक शॉप है गणपति मंदिर के पास ही, इसी मंदिर पे चाय पीने के लिए रुके हैं, सॉरी दुकान। और फिर कवर करके बताते हैं आपको यहाँ का। यहाँ तो आज काफ़ी भीड़ भी दिख रही है, आज 26 जनवरी है ना, इस वजह से छुट्टी है लोगों की, इसलिए चलो आपको कवर करके आगे का बताते हैं। एक बात बताना है, भूल गए थे हम, यहाँ पे जहाँ पे हम अभी वड़ा पाव और चाय पी रहे हैं ना, ये यहाँ की बहुत फेमस जगह है। तो नाम क्या है यहाँ का? एस के वड़े पाव। एस के वड़े पाव रहते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा फेमस मिलता है। हाँ, तो यहाँ पे हम अभी वड़ा पाव और चाय की चुस्की ले रहे हैं। मैं तो चाय नहीं पीता, तो ये चाय पी रहे हैं, मैं वड़ा पाव खा रहा हूँ। मेरा तो वैसे ही, मैं नॉर्थ इंडिया से आ रहा हूँ तो फिर मेरे को वड़ा पाव वैसे ही फेमस है, अच्छा ही लगता बहुत ज़्यादा। आप लोग यहाँ अष्ट विनायक में आना तो इधर ज़रूर आना। जो हमारे मंदिर है ना महाराष्ट्र में, उनका हाँ, उनके सारे नाम यहाँ पे द्वार पे बना हुआ है, द्वार पे सारे ये अष्ट विनायक का नाम है, नाम के साथ। गणपति मंदिर के सामने आके यहाँ सारी चीज़ों की व्यवस्था है, जैसे सामने में लॉज वगैरह भी है, होटल वगैरह भी है, फूल वगैरह सारे बाहर में मिलते हैं, और यहीं पे सारा प्रसाद वगैरह आप खरीद सकते हैं मंदिर के द्वार के बाहर पे।
यहाँ पे दो द्वार हैं, ठीक है, यहाँ पे चप्पल भी आप रख सकते हैं इस साइड में, तो ठीक है। ये जो येवले चाय है ना, ये महाराष्ट्र का बहुत फेमस है, एक येवले चाय और एक प्रेमाचा चाय, ये दोनों चाय जो है ना, ये महाराष्ट्र में बहुत फेमस चाय है, यहाँ पे बहुत टेस्टी चाय मिलती है। मैंने भी, मैं पीता तो नहीं वैसे, बट मैंने पिया था तो बहुत टेस्टी लगती है। ये क्या है, आप गणपति मंदिर पे आते हैं तो यहाँ पे सारे फूल, नारियल, जो भी प्रसाद चढ़ते हैं ना, उन सारी की व्यवस्था गेट के द्वार पे ही है, तो आप निश्चिंत होकर ले सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर चप्पल रखना है दर्शन करने के लिए, चप्पल के लिए भी सारी व्यवस्था है। चप्पल दो जगह है, एक उस वाले आगे वाले गेट पर भी है और इधर अंदर वाले गेट पर भी चप्पल रख सकते हैं। मंदिर का शूट लेने से मना किया है, कोशिश करते हैं लेकिन देखते हैं हो पाता है। यहाँ पे हम अपना चप्पल रखते हैं, चप्पल जमा करने के बाद जाते हैं मंदिर का शूट करने के लिए, फिर बताते हैं। ये यहाँ पे चप्पल रखने की व्यवस्था है, ये मेरा है। ये मेरे को बेवकूफ़ बना रहे थे थोड़ा, ठीक है, मेरे को मराठी नहीं आती इसलिए बेवकूफ़ बना रहे थे। तो 2 रुपये पर चप्पल यहाँ पर जमा करने का है प्राइस, और मैंने इनसे पूछा ना, उनने मराठी में बोला था, कुछ 48 बोला था, तो मैंने इनसे पूछा कि ये इन्होंने क्या बोला, भाई मेरे को कहते 50 रुपये, मतलब 2 चप्पल के 50 रुपये, ठीक है। मैं वीडियो में बता रहा था, मतलब मैं बेवकूफ़ बन जाता। अभी हम मंदिर में एंट्री कर रहे हैं, एंट्री करने का 2 तरीके से, एक तरह से एंट्री करने का है, एक साइड से एग्जिट करने का, ठीक है, अभी देखते हैं। ये इतने सारे लगे हुए हैं ना क्योंकि जब काफ़ी भीड़ रहती है ना, तो ऐसे लोग घूम घूम के जाते हैं, राउंड कर करके जाते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, ये हुई बात। हम गणपति के दर्शन करने आए हैं और गणपति का जयकारा ना लगे, अभी हम मंदिर बस प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पे काफ़ी लाइन लगी हुई है, अभी आज वही छुट्टी का दिन है तो सारे लोग आए मंदिर, तो हम वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं लाइन में जाए। बगल में ये मतलब पार्क है ये मंदिर के पास का, उधर भी हम जाएंगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर में जाएंगे अभी। यहाँ पे एक्चुअली ये नहीं है, परमिशन नहीं है अंदर मंदिर की फ़ोटो वीडियो लेने के, तो इसलिए हम ले नहीं पा रहे, सिक्योरिटी से हमने हमें मना करा। कोई नहीं, हम आपको बाहर का दिखाएंगे वीडियो सारा, ठीक है।
एक्चुअली क्या हुआ ना, हमें अंदर में, हम अंदर का वीडियो नहीं बना पाए, अंदर में कांड हो गया, हम छुपा के, मतलब वीडियो तो अलाउड नहीं है बनाना, तो हम ऐसे मोबाइल छुपा के वीडियो बना रहे थे, तो अंगद भाई को मोबाइल दिया था हमने कि अंगद भाई वीडियो छुपा के बना रहे थे, बट इन्हें डांट लगी। ये प्रसाद भवन है, यहाँ पे ना भंडारा होता है दो टाइम का, यहाँ लोगों के लिए निःशुल्क भोजन का प्रबंध है। लेकिन अभी कोरोना से पे बहुत स्वादिष्ट शिरा वगैरह मिलता है और बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको तो मिठाई वगैरह भी बहुत बढ़िया से मिलता है। जब भी कोई गणपति का कार्यक्रम रहता है, कोई भी संकट चतुर्थी हो कोई भी, तो यहाँ से बहुत बढ़िया प्रसाद मिलता है, वो भी दो टाइम मिलता है। ये यहाँ की बहुत बड़ी देनगी है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सा ये होता है कार्यक्रम वगैरह बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है, और यहाँ पे देने वाले, दान देने वाले भी बहुत अच्छे मन से दान देते हैं। ये महादेव का मंदिर है, अंदर नीचे की साइड हम जाते हैं, नीचे फिर आपको दिखाते हैं। ये पुराना कुआं है यहाँ का, पहले जब पेशवा का कालखंड था उसी कालखंड में ये जो कुआं बनने वाला था, इसके अंदर भूत जब ये पहले जो कहते थे साधु संत यहाँ पे आ गए, स्नान वगैरह करते थे और इससे स्नान करके माँ गणपति की पूजा अर्चना करते थे। पढ़ाई छुड़वा के आया हूँ मैं, ये ना यूपीएससी की तैयारी और एमपीएससी दोनों की करते हैं, तो आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ लगी हुई है यहाँ पे बहुत सारे लोग, ये मंदिर के खाना लाया है घर से और यहाँ पे खाना खा रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत दूर से आए लोग यहाँ से। पिकनिक स्पॉट भी है एक तरीके का, आप ऐसा समझ लो, किसी को मतलब ऐसा घूम के आते हैं तो यहाँ पे बैठ करते हैं, हाँ बैठ के विश्राम करते हैं। ये बरसात के टाइम यहाँ पे ना वाटरफॉल फाउंटेन सा रहता है, अभी बंद कर रखा है इधर, शायद कोरोना या फिर किसी वजह से बंद कर रखा होगा, ताकि लोग उसमें जाके फिर ऐसे हाथ वाथ लगाने लगेंगे ना इस वजह से।
बाहर की तरफ निकल रहा है इसी रास्ते से। अब यहाँ से बाहर जहाँ पे चप्पल जमा कराए ना वहाँ से लेके आएंगे दो दो रुपये चप्पल। वो तो बात मेरे को याद रहेगी, ये मेरे को बेवकूफ़ बना रहे थे एक बारी और इन्होंने बेवकूफ़ मेरे को बनाया था। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में। मेरे को ना कुछ कुछ ही बता दिया मेरे को, मैं भरोसा करने लगा। बताओ चप्पल स्टैंड इस साइड भी है, हमने गलत करा, गलती हो गई। हाँ अगर हम यहाँ पे चप्पल लगाते तो हमको वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं थी। हाँ फेमस मंदिर के पास ना कुछ थोड़ी दिक्कतें भी हो जाती है, जैसे कि महंगाई कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे क्या अभी हम गए थे मैं कृष्णा भाई गन्ने का जूस पीने के लिए, तो 10 रुपये के गिलास को 30 रुपये का, चलो 15 रुपये भी बताते तो फिर जाहिर सी बात है मतलब 5 रुपये एक्स्ट्रा लेना सही है, बट ये तो डायरेक्ट 20 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 10 रुपये की गिलास को 20 रुपये में बता रहे हैं, बताओ। यहाँ पे एक बस है PMT, इससे भी आप पुणे से अगर आप विदाउट गाड़ी हैं तो इस PMT से आप आ सकते हो, तो इस PMT से आप आओगे पुणे से आ सकते हो। आपको पास यहाँ के लिए है 70 रुपये के पास। हाँ पास भी आप बना सकते हैं और वैसे टिकट लेके भी आप आ सकते हैं।